हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है शुभम मैथ क्लासेस पर। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एलजेब्रा का एक प्रॉब्लम। इसने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन एंड ए बी सी इज इक्वल टू माइनस वन। द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी ए क्यू क्यू क्या वैल्यू निकल करके आएगी, इसके बारे में पूछा। हम लोगों को इस चीज का फॉर्मूला पता है, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से वन स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको यहाँ से दी गई माइनस वन, दैट इज वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये टर्म उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास वन हो गई, ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमको थ्री मिल गई है। माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा माइनस इन टू माइनस वन, और ये पूरा टर्म उठ के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में थ्री ए बी सी की वैल्यू माइनस वन। आप इसको सॉल्व करोगे तो वन इंटू थ्री प्लस वन और माइनस थ्री फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।